हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं इधर आया हुआ हूँ अपने बारी की तरफ में, जहाँ पे हम लोग घर बना रहे हैं वहाँ पे। तो ऑलरेडी जो है अभी बहुत सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है, आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे अभी देखने के लिए आया हूँ, दिन भर जो है कुछ काम नहीं था। अभी मिस्त्री लोग आज आए नहीं है क्योंकि कुछ काम जो है बाकी है। तो जैसे उधर ये कोना में थोड़ा सा ढलाई करना बाकी है और इधर कोना में भी थोड़ा सा ढलाई करना बाकी है, तो इसमें रोड लगा करके तो मंगलवार को आएंगे। अभी फ़िलहाल लोग गए हुए हैं कहीं और काम करने के लिए। तो सुबह को हमको आना था पानी डालने के लिए इसमें, लेकिन पानी डालने के लिए हम नहीं आ पाए क्योंकि रात को बारिश हुआ था, इसलिए सुबह को मैं नहीं आया। तो देखते हैं, अगर आज रात को नहीं होता है तो कल आएंगे। और इधर तख्ती सब पड़ा हुआ है और पीछे भी पड़ा हुआ है, तो उसको कल लेकर के जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रखने से चोरी होने का डर है, इसलिए वो यहाँ पे अभी आए हुए देखने के लिए। और इधर पूरा जो है हो गया है और यहाँ पे अभी जो है टीना लगाना बाकी है, तो देखते हैं कितना जल्दी होगा। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद आगे और भी इधर बाहर में बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन वो धीरे से बनाएंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग कितना ही बना रहे हैं, तो इसमें टीना वगैरह लगा करके जो है फिट फाट कर देते हैं इसको। और इसमें काम तो बाकी है, इधर खिड़की सब में खिड़की लगाना बाकी है और इधर वेंटिलेटर भी हम लोग लगा दिए हैं। और ये ऊपर का जो पेड़ है ये सबको कटना पड़ेगा, और ये साइड का भी पेड़ इसको भी कटना पड़ेगा क्योंकि घर का नज़दीक में उतना सही नहीं होता है क्योंकि आंधी तूफान बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी, इसलिए। तो ये छोटा सा घर हम लोग बना रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे आगे। तो इसमें जो है समय लगेगा, इतना हम लोग तुरंत तो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को वीडियो में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो ये सबको भी कल सुबह को आऊँगा तो ये सब खोल दूँगा, इसको भी खोलूँगा, उसको भी खोलूँगा। और इधर भी लगाया हुआ है, इसको भी खोलना है, उसको भी खोलना है, और ये पेड़ को काटना है। तो इसमें भी ये एक्चुअली फल का पेड़ है, इसको बोलते हैं हम लोग को यहाँ पे पुनियल बोल करके। तो ये छोटा छोटा साइज का होता है, मीठा होता है ये वाला खाने में। तो इसको भी काट देंगे क्योंकि घर का नज़दीक में ही है, इसीलिए, क्योंकि अगर इसको नहीं काटेंगे तो टीना लगाने में जो है मुश्किल होगा और उसके बाद जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब आंधी तूफान होता है, तो इसीलिए जो है इसको कटना बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे का नज़ारा दिखा देता हूँ, ये तख्ती इधर भी रखा हुआ है, इसको कल लेकर के जाना है, इसको नहीं उतराए हैं, रहने देते हैं अभी यहीं पर। और ये जो पेड़ का मैं बात कर रहा हूँ इधर देख सकते हो, इसको पुनियल बोल करके बोलते हैं, लेकिन इसमें देखिए कितना धारदार जो है नोकीला ये सब है। तो ये हमारे बाबू के लिए सही नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे रहता है तो वो खेलने के लिए इधर उधर आते रहता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग काट के गिरा देंगे, यहाँ पे आने से पहले साफ़ कर देंगे। और इधर ईटा वगैरह सब भी फेंका हुआ है, तो ये सबको हम अंदर डाल देते हैं, ये तख्ती को लेकर के जाना है। और इधर जो है ये बारी उस दिन आ करके मैं जलाया, और बहुत सारा इधर साफ़ उफ करना है इसको। और इसमें हम लोग बहुत कुछ सोचे हैं लगाने के लिए, तो जैसे ही समय हो जाता है हम लोग यहाँ पर आएँगे तो ये सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी अच्छा होता है, जैसे सुपारी का पेड़ हम लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो सुपारी का पेड़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ताकि वहाँ से हम लोग को सालाना जो है कुछ ना कुछ पैसा तो आ ही जाएगा, ठीक है। और इधर ये गड्ढा है, ये जो केला का पेड़ देख रहे हो इधर गड्ढा है, तो उस गड्ढे को भी हम लोग को ढकना है। मैं निकलता हूँ, अभी जो है शाम होने वाला है, ऑलरेडी सूरज जो है ढक चुका है और थोड़ा ठंडा हवा भी चल रहा है, इसलिए यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी हमको। तो कल सुबह आकर के जो है से सब कुछ लेकर के हम लोग जाएंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल को, टिल देन बाय बाय।